नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। यूएनएससी में चीन और पाकिस्तान ने किया भारत का समर्थन, तो अब है भारत की बारी। कनाडा ने लोकतंत्र के लिए चीन के बाद भारत को दूसरा सबसे बड़ा खतरा बताया। जस्टिन ट्रूडो ने दी पीएम मोदी को बधाई संदेश, लेकिन कर दी बड़ी गलती। 21 नेताओं के हस्ताक्षर के बाद मोदी ने 5 देशों को शपथ ग्रहण में बुलाया। इसमें पाकिस्तान शामिल है या नहीं, जानेंगे आगे। इजरायली पासपोर्ट को बैन करने पर अमेरिका देने जा रहा है मालदीव्स को बहुत बड़ा झटका। आतंकवादियों से डील करता हुआ सरेआम पकड़ा गया अमेरिका, अब कैसे मुंह छुपाएंगे बाइडेन। चीन पहुंचकर रोने लगे शाहबाज शरीफ, इसके पीछे का कारण जानकर हो जाएंगे हैरान। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज 6 जून को यूएनएससी के 5 नॉन परमानेंट सदस्य देश चुने जाने की वोटिंग होगी। ये 2 साल यानी कि 1 जनवरी 2025 से 2026 तक दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य रहेंगे। यूएनएससी की दावेदारी करने वाले देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। आज चुने गए देश यूएनएससी में जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है। पाकिस्तान ने सभी देशों से समर्थन की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अलावा डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया कार्यकाल खत्म होने वाले देशों की जगह ले सकते हैं। इसके लिए सीक्रेट बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। यूएनएससी में कुर्सी हासिल करने के लिए इन देशों को 193 देशों से 2/3 बहुमत यानी 128 वोट की जरूरत है। जून 2019 में रिश्ते खराब होने के बावजूद पाकिस्तान चीन ने भी यूएनएससी में नॉन परमानेंट सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया था। अगर आज पाकिस्तान को यूएनएससी में 128 वोट नहीं मिले तो दोबारा वोटिंग कराई जा सकती है। यदि फिर भी वोट नहीं मिले तो एक दूसरे कैंडिडेट को सदस्य चुना जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि वो बहुमत हासिल कर लेगा। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट हैं। परमानेंट सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। 10 नॉन परमानेंट देशों को 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। इनका चयन बारी बारी से क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। यूएनएससी में नॉन परमानेंट सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य क्षेत्रीय संतुलन कायम रखना होता है। वो यूएनएससी के नियमों को लागू करने में मदद करते हैं और अपने क्षेत्र की बात प्रमुखता से रख सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान आर्टिकल 370, कश्मीर का मुद्दा, खालिस्तान और भारत को मुस्लिम के खिलाफ बता सकता है। कुछ मामलों में यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना या बहाल करने के लिए प्रतिबंध लगाने या बल उपयोग करने का सहारा ले सकते हैं। यानी कि अगर भारत भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो दुनिया के किसी भी बड़े मसले पर उसकी सहमति जरूरी होगी। कनाडा और भारत तनाव के बीच पीएम ट्रूडो ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 5 जून को सोशल मीडिया मंच एक्स पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में जीत के लिए बधाई। उन्होंने आगे कहा कि कनाडा मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन के लिए हमारे देशों के लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। कनाडा की एक हाई लेवल पार्लियामेंट्री कमेटी की हालिया रिपोर्ट में भारत को कनाडा के लोकतंत्र के लिए दूसरा सबसे बड़ा विदेशी खतरा बताया गया है। पहले स्थान पर चीन है, रूस अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है। कनाडा की तरफ से किए गए इस ब्लंडर टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट में बताएं। हमने आज की भारतीय लोकतंत्र को लेकर अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था कि कैसे भारत ने अमेरिका को जवाब दे दिया, उसे आप जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते के अंत में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों, श्रीलंका के राष्ट्रपति और भूटान के राजा को आमंत्रित किया है। 8 जून को हो सकता है समारोह, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को आमंत्रित नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हीं देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पीएम मोदी ने आमंत्रित किया है जो भारत के पड़ोसी और सहयोगी हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली में 5 जून को हुई बैठक में एनडीए के 21 नेताओं ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके मोदी को अपना नेता स्वीकृत किया है, जिससे नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। इजरायली पासपोर्ट पर बैन से मालदीव ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, सबक सिखाने की तैयारी में अमेरिका, अब होगा बड़ा घाटा। मालदीव के इस कदम के बाद अब अमेरिका भड़क गया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सांसद मालदीव को इस बैन से रोकने के लिए कानून बना रहे हैं।
मालदीव एक छोटा मुस्लिम बहुल टापू देश है जो अपने लग्जरी पर्यटन स्थल के लिए मशहूर है। इस सप्ताह वो गाजा के खिलाफ इजरायली युद्ध के जवाब में पासपोर्ट प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद जॉश गोटेहाइमर एक ऐसा कानून बना रहे हैं जो इजरायली पासपोर्ट धारकों को देश में आने से रोकने पर मालदीव को अमेरिकी सहायता को रोक देगा। ऐसा करके वे बाकी अन्य देशों को भी चेतावनी दे रहे हैं जो इसराइल के खिलाफ कड़े फैसले लेने की तैयारी में हैं। गोटेहाइमर अमेरिकी कांग्रेस में इसराइल के सबसे दृढ़ रक्षकों में से एक है। बिल पर दोनों पार्टियों के सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं, जिसे प्रोटेक्टिंग अलाइड ट्रेवल हियर PATH अधिनियम कहा जाएगा। यही मुख्य वजह है कि कोई भी देश इसराइल के खिलाफ कदम नहीं उठाता। इसराइल से पंगा लेने का मतलब सीधे आपको अमेरिका से टकराना होगा। अमेरिका के इस फैसले के बाद हो सकता है कि मालदीव अपने कदम वापस लेगा। अमेरिका जो पूरी दुनिया को मानवाधिकार के बारे में लेक्चर देता है, अब वो तालिबान के सबसे खूंखार आतंकवादी के साथ मीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। दुनिया के मोस्ट वांटेड हक्कानी चीफ ने पहली बार विदेश यात्रा की है। इसके बाद तालिबान के अंदर ही फूट पड़ गया है। तालिबान के शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अचानक से UAE की यात्रा पर पहुंचा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के बुलाने पर हक्कानी UAE पहुंचा है। तालिबान सरकार आने के बाद यह हक्कानी की पहली विदेश यात्रा है। ये वही सिराजुद्दीन हक्कानी है जो दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है और अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। हक्कानी नेटवर्क पर अमेरिकी नागरिकों से लेकर भारतीय नागरिकों पर हमला कराने का आरोप है। हक्कानी नेटवर्क के बारे में कहा जाता है कि उसने पाकिस्तानी ISI के इशारे पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया था। बताया जा रहा है कि तालिबानी सरकार में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा। इस तरह से अमेरिका का असली चेहरा भी सामने आ रहा है, जो आतंकवादियों के साथ मिलकर अपने हितों को साधता है। हक्कानी के UAE पहुंचते ही तालिबान का सरगना मुल्ला हेबतुल्ला भड़क उठा है। बताया जा रहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी बिना तालिबान सरगना से सलाह लिए ही UAE की यात्रा पर पहुंचा है। मुल्ला हेबतुल्ला को इसके बारे में पता ही नहीं था। तालिबान का रहस्यमय सरगना मुल्ला हेबतुल्ला अभी तक दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है। उसकी कोई ताजा तस्वीर भी मौजूद नहीं है। चीन पहुंचकर अचानक रोने लगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। शेंजन सिटी में किया निवेशकों की बैठक को संबोधित। इस बैठक में PM शाहबाज का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल रो देंगे। जिस प्रकार पाकिस्तान के अंदर चीनी कर्मियों को आतंकियों के द्वारा टपकाया जा रहा है, उसे याद कर वो बैठक में खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। मार्च में पाकिस्तान की बेशम में हुए आतंकी हमलों में 5 चीनी कर्मी और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई थी। इस घटना का जिक्र करते हुए शरीफ ने कहा कि ऐसी नौबत फिर नहीं आएगी। उन्होंने CPEC वाले चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकात करके पाकिस्तान में निवेश बढ़ाने को कहा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा, मैं चीनी श्रमिकों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें आश्वासन और गारंटी देता हूं कि हम उन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।